हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। तो टॉप 13 क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। बायो सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बायो सेवर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। इसके बाद थर्ड है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालते हैं, ठीक है। देन किरचॉफ्स लॉ, फेराडेज लॉ, फेराडे और किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे अपने, तो किरचॉफ के भी दो लॉ हैं और फेराडे के भी दो लॉ हैं इसमें। LCR सर्किट है जिसमें आपको इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस निकालना है। इसमें कंडीशन ऑफ रेजोनेंस भी है, उसको भी पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस, दो थिन लेंस है जो आपस में एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन निकालना है, ओके। इसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला है, प्रिज्म फॉर्मूला निकलेगा स्नेल्स लॉ से निकलता है प्रिज्म फॉर्मूला, तो उसको देख लेना है बहुत अच्छे से। आइंस्टीन इक्वेशन जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, इसके लॉ भी है इसमें, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगी वो देख लेनी है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेन प्रिंसिपल को पढ़ लेना है। तीन एजम्पशन दिए थे इन्होंने अपने और उनको अच्छे से देख लेना है अलग अलग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहाँ पे, ठीक है, उसे देख लेना है अच्छे से। देन पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलके क्या बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, ठीक है, इसे भी देख लेना है। इनको पढ़े बिना आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में नहीं जाना है, इनको पढ़ के अच्छे से क्लियर करके जाना है और जितना ज़्यादा आप पढ़ सको उसको पढ़ लेना है। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।